ब्रेन बस्ट विद डॉक्टर शारदा हर शुक्रवार की तरह आपके सामने हाजिर है। इससे पहले कि मैं कोई बात करूं, आपको पता है कि दुनिया में सबसे सबसे बड़ी जो एक कॉम लफ्ज़ आजकल यूज़ किया जाता है हिंदुस्तान में, वो है ईसाई, क्रिश्चियन। और आज उनका जो है ईस्टर एंड है, यानी कि आज गुड फ्राइडे है और मंडे को ईस्टर एंड है। बहुत लोग हमारे शायद ना समझते हों कि गुड फ्राइडे क्या होता है। गुड फ्राइडे, हालांकि उस दिन क्राइस्ट की क्रूसीफिकेशन हुई थी, उनको बकायदा टांग दिया गया था, है जी, कील ठोक कर, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, इट इज़ ए गुड फ्राइडे बिकॉज क्राइस्ट गेव इज लाइफ फॉर द मैनकाइंड। और फिर तीन दिन के बाद मंडे को है जी स्वर्ग की परियां आईं और उनको वहाँ से ले गईं, तो वो हो गया अपना ईस्टर। तो बड़ी ज़ोरों शोरों से ये जो होता है इसको मनाया जाता है। हाँ जी, जो फ्राइडे, सैटरडे, संडे तो प्रेयर्स में लगती हैं, लेकिन मंडे को बहुत बड़ी पार्टियां होती हैं। लोग अपने घरों में अपने बच्चों को बुलाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, बिग पार्टीज। तो जितने भी हमारे क्रिश्चियन बहन भाई हैं, वो चाहे देख रहे हैं चाहे नहीं, लेकिन हम अपनी तरफ से, टैग टीवी की तरफ से, टैग टीवी के परिवार की जी तरफ से, और हमारे जो इस वक्त इस प्रोग्राम को चला रहे हैं उनकी तरफ से और मेरी तरफ से और हमारे गेस्टों की तरफ से, आप सबको बहुत बहुत गुड फ्राइडे एंड ईस्टर की बधाई हो। बेसिकली क्या है कि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जो पढ़ा लिखा आदमी है उसमें लॉजिक और रीजनिंग होनी चाहिए, लेकिन हमारे जो श्रोता हैं वो, मुझे पता है कि आज के प्रोग्राम के बाद उन्होंने मुझे काफ़ी ऐसी तैसी करनी है, बड़े कमेंट्स लिखने हैं, लेकिन आई एम हेयर जी। नेक्स्ट ईयर मुझे 50 साल हो जाने हैं जर्नलिज्म, 1974 से, नेक्स्ट ईयर इट विल बी 50 ईयर्स, बट आई हैव ऑलवेज डन व्हाट आई फील लाइक इज़ द राइट थिंग। मैं महसूस करता हूँ कि हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जो इस वक्त मेजॉरिटी पार्टी है वो बीजेपी, वो हिंदुस्तान को एक पार्टी की तरफ लेके जा रही है। आई मे बी रॉन्ग, क्योंकि हिंदुस्तान में मेरा नहीं ख्याल ऐसा हो सकता, लेकिन जिस ढंग से वो एक्ट कर रहे हैं, देखिए 1914 में मोदी साहब को वोटें पड़ी थी 31%, और पिछले इलेक्शन में 19 में वोटें पड़ी थी उनको 38%, यानी कि आज भी हिंदुस्तान के 62% लोग जो हैं दे आइदर डिसलाइक बीजेपी, डिसलाइक मोदी, डिसलाइक आरएसएस, एंड दे डोंट वोट फॉर देम। इट इज़ ए ट्रेजेडी इन इंडिया दैट दे कैनॉट गेट टुगेदर, क्योंकि हर आदमी अपनी अपनी कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। जो आज का मुद्दा है वो ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमारे गेस्ट भी बहुत पढ़े लिखे हैं, उनकी भी इनपुट अभी लेते हैं कि क्या वाकई जिस तरीके से हमने देखा कि पार्लियामेंट को एक दिन भी नहीं चलने दिया अपोजिशन वालों ने, नहीं गवर्नमेंट के एमपीज ने, यानी कि जो रूलिंग पार्टी है उनके एमपीज ने पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया। एक अजीब किस्म का हिंदुस्तान में सिस्टम चल रहा है। अच्छा, लाखों करोड़ों का बजट बगैर बहस के पास हो गया, कोई उस पर बहस नहीं हुई। चलिए, ये एक किस्म का डिक्टेटरशिप है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 38% वोट लेकर आदमी जो है इस वक्त जो पार्टी है वो डिक्टेटर बनी हुई है, अपने हिसाब से वो काम कर रहे हैं। दे डोंट लिसन एनीवन, दे डोंट केयर एनीवन, एंड दिस हैज हैपेंड नॉट टुडे, दिस इज हैपनिंग सिंस 1952। नेहरू के टाइम पर भी यही हुआ,
मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब नेहरू ने फर्स्ट टाइम डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट नमूदरी पाद की जो केरला में थी उसको डिसमिस कर दिया। हालांकि वो अपने आप को बहुत बड़े डेमोक्रेट कहते थे कि मेरे से बड़ा कोई डेमोक्रेट नहीं है, और उन्होंने प्रूव भी किया, थे भी थे। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में अगर कोई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेट हुए हैं तो वो जवाहरलाल नेहरू एंड अटल बिहारी वाजपेयी, ये दो इंसान जो हैं, ये एक हिस्ट्री में लोग कहते हैं ना कि गोल्डन वर्ड्स में, मैं कहता हूँ गोल्डन की उससे भी कोई ऊपर है तो उस वर्ड्स में ये दोनों का नाम आता है। खैर, मैं तो ये ऐसा टॉपिक है कि इसके ऊपर घंटा क्या कई घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन हमारे गेस्ट हैं हमारे साथ, सबसे पहले उनका आपके साथ मिलाना बहुत ज़रूरी है और उनकी इनपुट जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैं कम बोलूँगा, उनको ज़रा ज़्यादा मौका देंगे क्योंकि वो हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं। मैं भी अभी 4 महीने पहले ही आया हूँ वहाँ से, लेकिन दे आर सिटिंग इन इंडिया, दे हैव सीन द सिचुएशन, दे हैव सीन हाउ पार्लियामेंट कुड नॉट वर्क एंड दे आर सीइंग व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंडिया ऑन द ग्राउंड। आइए वेलकम करते हैं सबसे पहले हमारे बहुत ही प्यारे, कई बार हम आपको इनके साथ मिला चुके हैं, मिस्टर मिश्रा, ए के मिश्रा जी हैं जी, इन वेलकम सर। और प्रेम कुमार जी जब पिछली बार आए थे तो इन्होंने बड़ी धूम मचाई, बहुत लोगों ने इनको पसंद किया, बड़े इंटेलिजेंट हैं, वेटरन जर्नलिस्ट हैं, पता नहीं किस किस कंपनियों में ये काम कर चुके हैं, अखबारों में, रेडियो में, आपका भी स्वागत। तो बात प्रेम जी, सबसे पहले आप वेटरन जर्नलिस्ट हैं, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। ये सॉरी पार्लियामेंट का ना चलना, बोलिए प्रेम जी। जी जी, इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्लियामेंट का नहीं चलना कोई बड़ी बात नहीं रही है, लेकिन ये पहली बार हुआ कि जो गवर्नमेंट में है उनका ही इंटरेस्ट पार्लियामेंट को चलने नहीं देने का दिखा। मैं इंडियन डेमोक्रेसी को जब देखता हूँ और इन घटनाओं को देखता हूँ तो मेरे ध्यान में ये आता है कि इंडिया में जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो ज्यादा एंटी डेमोक्रेटिक है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मुझे मैं याद दिलाना चाहता हूँ, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ। कि मुंबई में अंबानी जी के घर के सामने एक बम मिला था, एक घटना घटी थी। उस समय मैंने टीवी चैनल में कहा था इस घटना का जो अंजाम होने वाला है वो किसी अफसर को की बलि लेकर होगा, ये मंत्री सरकार सबकी बलि लेकर के ही बात खत्म हो। और वो बहुत शॉर्ट समय में हुआ। उसी तरीके से जब राहुल गांधी अडानी के खिलाफ, शिवम जी इनकी, शिवम जी एक सेकंड, शिवम जी इनकी आवाज कैसे ठीक होगी, अच्छा वो करते हैं आपके साथ शिवम जी, आवाज आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। मिश्रा साहब आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? देखिए डॉक्टर साहब, आपने अपने ओपनिंग डायलॉग में एक बहुत अच्छी चीज बोली थी, और मुझे थोड़ा समय दीजिएगा कि ये जो परसेंटेज वाला आपने बताया था, यहाँ के एक बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने एक पार्टी खड़ी की थी, वो भी ऐसे ही बताते थे 80 और 85 का। मैं आपको इतिहास में लेके चलता हूँ, इसको भारत का सौभाग्य या दुर्भाग्य बोलिए, मुगल, मैं मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, मुगल जब थे यहाँ पे तो उस वक्त मान लीजिए 15 करोड़ की जनसंख्या, 10-11 करोड़ भारत की रही होगी, वो कितने थे परसेंटेज वाइज पॉइंट में थे, जो रूलर क्लास थे। इसी तरीके से अंग्रेज देखिए, अंग्रेज कुछ लैक्स थे, 7-8 लाख अंग्रेज थे, वो भी पॉइंट में थे। आज तो कम से कम मैं इसको सौभाग्य बोलूंगा कि कम से कम 30-40% जिनके पास वोट है, यानी 40% जनता ने जिनको ये मैंडेट दिया कि भाई आप शासन करिए, आप इस प्रक्रिया को दुरुस्त करिए, तो मैं इसको गलत नहीं मानता। मिश्रा जी, मिश्रा जी, मिश्रा जी सॉरी, मिश्रा जी सॉरी, आप आपने कहा जो कि एक
मतलब राजे महाराजे थे, वो तो एक राजा चाहे 5% का भी हो वो भी राज कर सकता था। हाँ जी, हमने देखा कि इराक में 30% वाला राज जो जो आदमी था वो राज करता रहा। एक बात। दूसरी, फिर आपने बात की अंग्रेज़ों की, दे वर द इन्वेडर्स, तो इन्वेडर्स तो दुनिया में कहीं भी जाके उन्होंने तो सारी नहीं, दुनिया, मैं लेकिन राज करने उसके साथ कंपेयर आप कैसे कर सकते हैं? की बात आप नहीं कर उसके रहा साथ हूँ। कैसे कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, मैं डेमोक्रेसी राज की बात करने की करिए, बात कर ये रहा हूँ, डेमोक्रेसी शासन है प्रशासन और को आप लेके चलाने जा की रहे हैं बात राजे कर रहा हूँ। महाराजों के पास। नहीं, इन्वेडर की बात, भाई अगर वो इन्वेडर थे तो इंडिया ने क्यों एक्सेप्ट किया? यहाँ की पब्लिक उनके हुक्म को क्यों मानती? अरे भाई, बात है ये हुक्म डंडा, कौन अरे चला रहा है? डंडा होता है, जो इन्वेडर्स होते हैं वो डंडे के साथ आते हैं, डंडे के साथ ठीक है, जाते अब हैं। डंडा नहीं है, परसेंटेज की डॉक्टर साहब जो बात है, तो परसेंटेज चालीस उसके साथ परसेंट अपने आप में, नहीं नहीं परसेंटेज सुनिए, कोई लेना देना नहीं नहीं उस इशू डेमोक्रेसी में। में जो, और चलिए डेमोक्रेसी के हिसाब से बात करते हैं, जो रूल बना है संविधान के हिसाब से, उसमें तो यही रूल है कि जो लार्जेस्ट मेजोरिटी की पार्टी होगी। तो मैं तो विपक्ष से सवाल पूछना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी को विपक्ष क्यों खत्म कर रही है? क्यों नहीं वो परफॉर्म कर पा रहे हैं इलेक्शन में? क्यों नहीं संसद में वो विरोध कर पाते हैं? क्यों नहीं सड़कों पे वो विरोध इतने इफेक्टिव वे में वो अपने एजेंडा को क्यों नहीं रख पाते हैं कि इस समस्या से समाधान, इस अगर तानाशाही ये लगता है तो इस तानाशाही से निजात दिलाने के लिए मैं विपक्ष के साथ हूं। मैं तो विपक्ष को बोलूंगा कि भाई इस तानाशाही से आप निजात दिलाइए। जहां विपक्ष इतना कमजोर हो जाए, जिन्होंने 40 साल 60 साल शासन किया और वो हाथ खड़े कर ले, तो हमारे आपके जैसे जनता क्या करेगी? तो प्रेम जी, ये सवाल मन प्रेम जी, उठा वो तो जाना मैंने पहले भी चाहिए। कहा था, मैंने अपने स्टेटमेंट में भी कहा था कि जो अपोजिशन वाले हैं वो अपनी मारधाड़ में लगे हुए हैं। वो तो मैंने पहले भी कहा कि अपोजिशन इज नॉट यूनाइटेड एंड कैन नॉट बी यूनाइटेड, देर आर मैनी रीजन्स फॉर इट। देर आर सर्टन कुछ ऐसे हैं, जैसे कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को ले लो, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर को ले लो, जी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को ले लो, दे कैन नॉट ज्वाइन हैंड्स, क्योंकि दे आर ऑलरेडी ए पार्ट ऑफ दी सम एडमिनिस्ट्रेशन एज सच। तो प्रेम जी, आपकी सॉरी, आपकी आवाज़ उस वक्त ठीक नहीं आ रही थी, अब बोलिए। मैं उसी बात को थोड़ी जल्दी में कंप्लीट करता हूं कि नहीं, कोई जल्दी नहीं है, हमारे कोई जल्दी नहीं है, जी आराम से। जी जी धन्यवाद। मैं ये कह रहा हूं कि एक घटना मुंबई में घटी थी, जबकि अंबानी साहब के घर के पास बम रखा गया था और उस मामले में एक साजिश का पहलू आया था। उस समय ही मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था तमाम टीवी चैनल्स पर, मीडिया में, कि ये घटना यहीं पर नहीं रुकेगी, इसका अंत जो है उद्धव सरकार के जाने के साथ ही होगा। और हमने देखा कि कितने अनैतिक तरीके से, गलत तरीके से उद्धव सरकार का पतन हुआ, उद्धव सरकार के मंत्री जेल भी गए, तमाम चीजें हुई। एक बात ये, और दूसरी बात ये मैं जोड़ना चाहता हूं कि संसद के भीतर जैसे ही राहुल गांधी ने अडानी के खिलाफ बोला, जो कुछ भी बातें उन्होंने कही उसको एक्सपंज कर दिया गया, सदन से बाहर कर दिया गया, उन शब्दों को रिकॉर्ड्स में नहीं लिया गया, और उसके बाद सदन नहीं चलने की रणनीति लेकर के सत्ता पक्ष सामने आया कि राहुल गांधी को अगर बोलने का अवसर मिलेगा, इवन वित्त विधेयक पर भी चर्चा होती तब भी राहुल गांधी को बोलने का अवसर मिलता और वो फिर अडानी पर बोलते, तो ऐसी स्थिति पैदा ना हो इसके लिए एक प्रोपेगेंडा किया गया और विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। इसका मतलब क्या है? ये दो घटना से मैं ये बताना चाहता हूं कि भारतीय संसदीय लोकतंत्र जो है, इसकी राजनीतिक पार्टियां जो है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इसको संचालित करने का काम, सरकार बदलने का काम, सत्ता बदलने का काम इस पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर की जो कैपिटलिस्ट ताकतें हैं वो कर रही हैं। हम याद करेंगे 2013-14 का समय, उस वक्त जो टाटा घराना कांग्रेस के साथ हुआ करता था, वो टाटा घराना भी कांग्रेस के खिलाफ बयान दे रहा था। सारी सारे पूंजीपति इकट्ठा हुए, एक जितना जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, नरेंद्र मोदी जी के साथ में यूनाइट हुआ और सत्ता परिवर्तन हुआ। आज भी विपक्ष में राहुल गांधी के पक्ष में बोलते हुए मुझे राहुल बजाज के अलावा कोई नजर नहीं आते, कांग्रेस के लिए नहीं आए। लेकिन जब तक ये कैपिटलिस्ट ताकत जो है ये सरकारी सत्ता के साथ खड़ी है, इसके अलावा क्योंकि चंदा का सिस्टम भी इस तरीके से बना दिया गया, इलेक्टोरल बॉन्ड,
जो चोरी छिपे चंदा लेंगे, बताएंगे नहीं कि किससे हमने चंदा लिया और चंदा लेकर हमने उसका क्या भला किया, दुरुपयोग किया सत्ता का। ये जो सिस्टम आया है ये भी कैपिटलिस्ट और सत्ता के बीच बना हुआ सिस्टम है, जिसके कारण 10% से के करीब चंदा विपक्ष को मिलता है, 90% के करीब एक पार्टी को चंदा मिलता है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारी संसदीय जो लोकतंत्र है इसका किस तरीके से अपहरण हो रहा है। प्रेम जी एक मिनट, मैं मिश्रा जी के पास आने रहा हूँ। प्रेम जी एक सेकंड मिश्रा जी, ये जो सत्ता वाली बात कर रहे हैं चंदे की, जो भी सत्ता में होता है उसी को चंदा मिलता है। मैं 52 से जानता हूँ, बड़ा क्लोजली जानता हूँ कांग्रेस को और दूसरी पार्टियों को भी। हैं, आई वॉज दी प्रेजिडेंट ऑफ ऑल इंडिया स्टूडेंट कांग्रेस आल्सो एट वन टाइम। मैं 50 मुलक घूम चुका हूँ, हर जगह के ऊपर, मिश्रा जी, हर जगह के ऊपर मैंने देखा है कि कैपिटलिस्ट जो हैं वो रूल करते हैं। कैपिटलिस्ट के बगैर, उनकी कैपिटल के बगैर कोई भी पॉलिटिकल पार्टियाँ नहीं चल सकती, नहीं चलती। इवन टुडे आप देख लीजिए, आप ये कहिए कि पहले तो राहुल गांधी, तो मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा मूर्ख आदमी मैंने नहीं देखा, माफ़ी चाहता हूँ आप शायद उसके हो, कि उसको ये नहीं पता कि हिंदुस्तान में जो एक शर्ट है, जो ड्रेसिंग है, वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। वो क्या पिछले 6 महीने से टी शर्ट पहन के घूम रहा है जैसे कि यही ड्रेस। देखिए, एक ड्रेसिंग होती है, एक बॉडी लैंग्वेज होती है। वो बहुत सिंसियर होगा अपनी बातों में, लेकिन उसकी ये दो चीज़ें, ही हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट ही इज़ नॉट इन अमेरिका, ही इज़ नॉट इन यूरोप, ही इज़ इन इंडिया, एंड ही हैज़ टू मेक इट श्योर दैट पीपल एक्सेप्ट, एंड दैट्स वाई ही हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड, क्योंकि उसके जो ये काम है वो बड़े गलत है। मिश्रा जी, ये जो कैपिटलिज्म का हम बात कर रहे हैं, कैपिटलिस्ट तो सारी दुनिया में लोगों को जो है वो रूल कर रहे हैं, वही उन्हीं का पैसा चलता है। कैनेडा में देख लो, यहाँ के जो बड़े बड़े घर हैं वो पॉलिटिकल पार्टियों को चलाते हैं। अमेरिका में, यूरोप में, कोई ऐसा कंट्री नहीं है। किसने बनाया, मैं जानता हूँ अंबानी का जो फादर था, हाँ जी, वो कैसे बेचारा अपने कंधों के ऊपर गठियाँ उठा के लाता था, फिर वो कैसे उसकी पहुँच पहुँची। और एक बार किसी ने उसको पूछा, ये मैं बता रहा हूँ आपको 1978-9 की बात होगी, तो वो मिनिस्टर्स के ना बाहर आके, वो हर हफ्ते, अब भी आता है मुकेश, वो भी आया करता था, धीरू भाई भी, वो हर हफ्ते आके बाहर एक किसी मिनिस्टर के जहाँ भी उसने मिलना है उसके बाहर बैठ जाता था। किसी ने उसको पूछा, जी आप, कहता जी मैं तो चपरासी हूँ, जब मुझे इजाज़त मिलेगी मैं मिल जाऊँगा। सो आई डोंट केयर अबाउट, मतलब कैपिटलिज्म ना आप ख़त्म कर सकते हैं ना मैं ख़त्म कर सकता हूँ, और कैपिटलिज्म के सिर के ऊपर ही दुनिया की जो तरक्की हो रही है वो हो रही है, किसी गवर्नमेंट की वजह से नहीं हो रही। हाँ जी, चाइना जो था वो भी कैपिटलिस्ट बन गया। आपकी बात सही है, एक परिवार से लेके राजनीतिक पार्टियां और पूरा देश, अर्थ अगर नहीं हो तो नहीं चलता है। मैं प्रेम जी की बातों को लेते हुए एक उदाहरण देता हूं। आपने जो चीजें बोली वो सही है। अभी टीएमसी को चंदे में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, मैं आज ही मेरी नजरों के सामने ये फिगर गुजरा, 633%। इसके साथ आप आम आदमी पार्टी को ले लीजिए, उसके उद्भव जब वो पैदा हुई थी क्या उसको कम चंदा मिले थे, तब से लेके आज तक उनको तो फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं है। मेरे कहने का मतलब, अगर कांग्रेस या कुछ पार्टियों को ये लिया जाए और अगर हम लोग देखें तो उनके भी चंदे में बढ़ोतरी हुई है, कुछ में कमी होगी। मैं बोलना ये चाहता हूं कि फाइनेंस को मैनेज करना, और मैं लीगल वे में फाइनेंस को मैनेज करने की बात कर रहा हूं, ये भी एक पॉलिटिकल चैलेंज होता है पॉलिटिकल पार्टियों के लिए। अब कोई पर्टिकुलर पार्टी अपनी आइडियोलॉजी से ही मरी जा रही है, वो 10 रुपए चंदा देने के लिए अगर पब्लिक को कन्विंस नहीं कर पा रही है तो वोट के लिए और राज करने के लिए क्या कन्विंस करेगी। तो कहीं ना कहीं जिन पार्टियों को चंदा नहीं मिल रहा है वो बदले हुए सिचुएशन में अपने आप को चंदा इकट्ठा कर पाने में उनकी स्ट्रेटजी फेल रही है। दिस इज वन थिंग। ये नहीं बोला जा सकता है कि भाई हमको चंदा नहीं मिल रहा है तो सरकार ने हमारे, अरे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लगे हैं, चाहे इलेक्ट्रोल बॉन्ड हो चाहे डिजिटल पेमेंट हो, वो तो टीएमसी पे भी है, समाजवादी पार्टी पे,
बहुजन समाज पार्टी को देखिए, एक एक रुपए का चंदा दे करके बहुजन समाज पार्टी को पूरा खड़ा कर दिया गया और नेशनल लेवल की पार्टी बना दिया गया और दो चार बार उनकी सरकारें रही। तो ये तो केवल बहाने होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपने बोला, भारत जहां पे कल्चरल डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, डॉक्टर साहब आपने बड़ी मार्के की बात बोली है, राजनीति में तो आपके कपड़े, आपके हेयर स्टाइल, सारी चीजें संवाद का माध्यम होती है। आप अगर एकदम वेस्टर्न लुक में भारतीय जनता किसानों के बीच पहुंच जाइए तो आपको तो वही लगेगा कि जैसे जंगल से पकड़ा हुआ कोई जानवर आ गया है। भारतीय जनता आपको कनेक्ट नहीं कर पाती है अपने आप से। जहां पे आपकी लैंग्वेज नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है भारतीय संस्कृति का, पब्लिक से कनेक्ट कैसे किया जाए, ये सारे माध्यम होते हैं। और उसके बाद आप ठीकरा फोड़िए पक्ष के ऊपर, विपक्ष के ऊपर और जनता के ऊपर कि भाई हम सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, सरकार बेकार है, तानाशाही है। अरे आप अपने आप को कनेक्ट करिए, जब आप थे तो ये सरकार जो है वो कनेक्ट करके ही आई। टीएमसी को आप देखिए, बंगाल में उन्होंने पब्लिक से कनेक्ट किया, इतनी बड़ी सरकार सेंटर की बंगाल में सरकार नहीं बना पाई, उनके बॉन्डिंग को, पब्लिक और टीएमसी के बॉन्डिंग को नहीं तोड़ पाई। तो ये या तो ये लोकतंत्र को नहीं समझते, भारत के पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को नहीं समझते। मैं तो बोलूंगा कि विपक्ष अगर लगातार फेल हो रहा है तो इनके जो नेता हैं अभी करंट में, राहुल गांधी और उनके समकक्ष, वो सब कॉन्वेंट एजुकेटेड है, वो इंडिया को समझ सकते हैं, भारत को नहीं समझ सकते हैं। जब तक आप भारत, जो पार्टी भारत को समझेगी वो भारत पे शासन मुझे, करेगी। मुझे चाहे मुझे यह चुनाव ब्रेक लेनी है जी। आपको बता दें कि अगर दुनिया में कोई भी कंट्री है जहाँ पर आप आसानी से इमिग्रेशन ले सकते हैं, वो आज सिर्फ एक ही कंट्री है, वो है कनाडा। और कनाडा में अगर आप आना चाहते हैं तो हम आपको नाम बताते हैं लाइटो इमिग्रेशन वालों का। लाइटो इमिग्रेशन जो है ये आपकी सेवा में हाजिर हैं। आप सुमेर सिंह जी को फ़ोन कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर है 306-612-2233। ये आपकी हर किस्म की मदद करेंगे। अगर आप स्टूडेंट का वीज़ा लेके आना जाना आना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस क्लास में आना चाहते हैं, अगर आप मैरिज करके आना चाहते हैं, या यहाँ पे आपको बकायदा कोई सर्विस नौकरी चाहिए उसमें भी शायद ये आपकी हेल्प कर सकें। कोई पैसा नहीं आपसे लेते, आप इन पर व्हाट्सएप पर बात करिए 306-612-2233। सुमित सिंह जी हैं लाइटो इमिग्रेशन से, 306-612-2233। और क्या होता है कि जब आप यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर हर चीज़ जो है वो वकील के थ्रू करनी पड़ती है। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, ये बकायदा पिछले 10 साल से यहाँ पर, उससे पहले इंग्लैंड में। आप इनको कॉन्टेक्ट करिए, इनको मैंने कहा हुआ है कि पहली कंसल्टेशन की कोई पैसे नहीं लेने। आपको पता है वकील बात ही नहीं करता जब तक वो फीस ना ले, तो ये आपसे कोई फीस नहीं लेंगे। आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आपने कोई प्रॉपर्टियाँ यहाँ खरीदी हैं या खरीदनी है, इन्वेस्टमेंटें करनी हैं, कुछ भी। आप लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा को कॉन्टेक्ट करें। कोई वाइफ हस्बैंड के झगड़े, कोई रिश्तेदारों के झगड़े हैं जी, पर इम्पॉर्टेंट थिंग इज इफ़ यू वॉन्ट टू बाई अ प्रॉपर्टी है, इफ़ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट हेयर, कॉन्टेक्ट लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा इन प्रॉपर्टी 905-956-6699-905-956-6699 उनका टेलीफोन नंबर है। और फिर यहाँ जब आप आ जाते हैं, जैसे मैंने आगे भी आपको बताया कि हिंदुस्तान में तो ये रिवाज है पान खाने का, तो पान जो है, और पान के साथ साथ आपको उस दुकान के ऊपर बढ़िया चीज़ें मिल जाएँ खाने पीने की, जिसमें शवरमा हो जी, उसमें साथ और ड्रिंक्स मिल जाएँ, तो फिर तो मज़े की बात है। बाबू पान एंड शवरमा वाले, यहाँ पर उनकी चार लोकेशंस हैं, आप देख सकते हैं। तीन तो ब्रैम्पटन में है, और ब्रैम्पटन के साथ ही मेपल लगता है, वहाँ पर उनकी लोकेशंस हैं। आप उनको कॉन्टेक्ट कर लें जब भी आप आए, दिल करे अगर आपका पान खाने का। मुझे याद है कि मोती महल के सामने दरियागंज में नुक्कर के ऊपर प्रेम जी एक शॉप हुआ करती थी, अभी भी है, इस बार मैं गया, अभी भी है, क्योंकि और वो उस वक़्त 50 रुपए का पान मिलता था सोने
के वर्ग का और 20 रुपए का मिलता था चांदी के वर्ग का। तो इस बार मैं गया तो उन्होंने कहा जी 1000 रुपए का सोने का वर्ग है, 5 ग्राम आपने खाना है, और मेरे ख्याल 40-50 का वो चांदी वाला था। तो खैर मैं तो पान खाता नहीं, लेकिन मैं बता दूं कि पान हिंदुस्तान में तो मेरा ख्याल है कि नंबर वन है। कहीं भी आप देख लो, जिस मर्जी कम्युनिटी में, बिहार चले जाओ, यूपी, आप तो उधर क्या यूपी में कितने पान खाते हैं मिश्रा जी? डॉक्टर साहब बहुतायत वेलकम करने का जो तरीका होता है, चाहे हुए तो हम लोगों के बचपन के टाइम पे आया, लेकिन पान को एक आयुर्वेदिक औषधि माना गया है। ओरिजिनल पान का जो कॉन्सेप्ट रहा है वो डेफिनेटली आयुर्वेदिक औषधि है। तो लेडीज भी यहाँ पे खाती है, खाती थी, जेंट्स भी खाते हैं, और एक एज के बाद बच्चे भी खाते हैं। मैं गुटखा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आयुर्वेद में पान के पत्ते और उसमें जो मुलेठी वगैरह मिलाई जाती है, डेफिनेटली मैं उसको बोलूंगा अकेशिया कटेचू, कत्था को अगर हटा दिया जाए तो डेफिनेटली पान के जो इंग्रेडिएंट है कत्था और टोबैको को हटा दिया जाए तो मेरे ख्याल से वो हार्मफुल नहीं है। अच्छा प्रेम जी, बात करते हैं अपने इशू पर। पान तो हो गया बड़ा आजकल, तो पान जो है वो इतना रिवाज बन चुका हुआ है कि बगैर तंबाकू के लेडीज भी नहीं खाती हैं बिहार में। अच्छा ये बताइए कि ये जो अब हिंदुस्तान की सिचुएशन है, इसको आप कैसे देखते हैं, इसमें होगा क्या? अभी 2024 की तैयारी हो रही है, मैंने मोदी साहब को कल सुना जी बीजेपी के हेडक्वार्टर के ऊपर, वो कहते हैं कि सारे चोर इकट्ठे हो गए और जो चोर इनकी पार्टी में आ जाते हैं, मैं कम से कम 50 के नाम गिना सकता हूँ, असम के चीफ मिनिस्टर से लेके राणा मिनिस्टर जो है सेंटर में, उन सब के नाम ले सकता हूँ, लेकिन वो तो एकदम इनके पास कोई ऐसी बढ़िया वाशिंग मशीन है कि उसमें डाल देते हैं वो धुल जाते हैं, उनका कोई नहीं रहता। तो आप इसको कैसे देखते हैं? जी देखिए, ये बहुत भारतीय जनता पार्टी चूंकि इस हिसाब से सत्ता में रही है और आई है कि ईमानदारी, भ्रष्टाचार विरोधी और नैतिकता, शुचिता, संस्कृति के वाहक, भारतीय संस्कृति का खुद को पर्याय बताना, हिंदुत्व का भी पर्याय बताना, इस रूप में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इमेज बिल्डिंग की है। और लेकिन इस पूरे दौर में ये एक भी उदाहरण नहीं मिलता जब भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के मामलों की जांच या उसकी आंच खुद उनकी तरफ आई हो। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में रहे लोग नहीं कर रहे। मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर टिकट का बंटवारा जो होता है वो भी पैसों के लेन देन के आधार पर भी होता है, सर्टेन परसेंटेज सीटें लेन देन के आधार पर होती है। इवन कर्नाटक में विधानसभा चुनाव चल रहा है जहां तो भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, जहां तो सीधी ईडीआई सबको वहां लगा रहना चाहिए था, पूरे ट्रेडर्स एसोसिएशन ने वहां जो कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाई आपका ऑडियो सुनाया, मैसेजेस दिखाए कि कर्नाटक सरकार के मंत्री और विधायक और दूसरे लोग उनसे पैसा मांग रहे हैं। और ये ट्रेडर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन का कहना है, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी इन्होंने, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं हुई। वहां जो कर्नाटक में लिंगायत मठ है, हिंदू मठ है ना, हिंदू मठ कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन से काम लेने के लिए हमको 30% कमीशन देना पड़ेगा। ये खुल्लम खुल्ला है, पब्लिक डोमेन में उनका बयान है, लिखी हुई चिट्ठियां सब कुछ। तो इतनी बड़ी बात होने के बावजूद कर्नाटक से बाहर देश में ये करप्शन का मुद्दा नहीं बना, लेकिन कर्नाटक में ये मुद्दा बन चुका है। मैं ये कह रहा हूं कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार आज सारे मुद्दों पर भारी है। कर्नाटक वो प्रदेश है जहां भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह के प्रयोग किए, ये हिजाब का भी मुद्दा उठा, हिंदुत्व का भी मुद्दा चरम पर रहा, टीकू सुल्तान का भी मुद्दा उठता रहता है और ध्रुवीकरण का एक प्रयोगशाला है कर्नाटक। इसके बावजूद ये कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी चुनाव निश्चित रूप से हारने जा रही है, तो इस कारण से क्योंकि भ्रष्टाचार वहां चरम पर। अब इसके बावजूद अगर प्रधानमंत्री जी बोले कि देश के तमाम भ्रष्टाचारी बीजेपी को छोड़कर किसी दूसरे विपक्ष की कुनबे में समाये हुए हैं तो फिर ये अनोनी बात है। अगर देश में भ्रष्टाचार है
तो देश की सभी पार्टियों में भी है, सभी सरकारों में भी है, मिश्रा जी, लेकिन एक्शन कॉमन नहीं है। मिश्रा जी, ये तो नॉन पार्ट, ये तो नॉन फैक्ट है कि कांग्रेस हैज एन एज इन कर्नाटका, लेकिन कांग्रेस अपने पैरों पर कुल्हाड़ी, खुद कुल्हाड़ी ढूंढती है और फिर पैर उस पर मारती है। वो उनके जो वहाँ सिद्धारमैया हैं जी और उनके जो प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, वो आपस में एक दूसरे की इतनी टांग खींच रहे हैं कि वहाँ पर क्या कांग्रेस जो है मिलके वो इलेक्शन जीत सकती है या नहीं। बाई चांस अगर वो जीत भी जाती है जी, क्योंकि उनकी आपस, देखिए ये मैं शुरू से देख रहा हूँ कांग्रेस को बड़ा अच्छा काम आता है एक दूसरे की टांग खींच के जी तोड़ देना, टांगे ही लग कर देना। और ये जो सिद्धारमैया साहब अड़े हुए हैं कि मुझे तो दो जगह से इलेक्शन लड़ना, बताइए ये किस किस्म का लीडर है? इसके बारे में बहुत पहले इंदिरा गांधी ने बोला था कि कांग्रेस को केवल कांग्रेसी ही हरा सकते हैं और कोई नहीं हरा सकता है। आप पहले से देखिए, गुजरात में जब इलेक्शन था कांग्रेस जीती हुई थी, मणिशंकर पाकिस्तान जाके मणिशंकर अय्यर ने एक लाइन ऐसी बोल दी कि जीता हुआ चुनाव कांग्रेस हार गई। राहुल गांधी ने यात्रा बड़ी शानदार की, मैं मानने के लिए तैयार हूं भारत जोड़ो यात्रा। यात्रा खत्म होते ही कुछ ऐसा हो गया उनके साथ कि वो यात्रा को लोग भूल गए और चर्चा राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने की चलने लगी। जो ये पॉजिटिव गेन करते हैं खुद ही ये नष्ट कर देते हैं, जितना पुण्य ये कमाते हैं पाप करके कुछ भी करके ये खत्म कर देते हैं। कर्नाटक का आपने लिया, कर्नाटक में ऑफकोर्स एक ऐसा स्टेट है जहां पे कि बहुत स्ट्रॉन्ग कांग्रेस रही है, लेकिन जो कंडीशंस आप बता रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर, देखिए डेमोक्रेसी कांग्रेस के अंदर नहीं है, डिसिप्लिन कांग्रेस के अंदर नहीं है, चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो। सेंटर में जब कांग्रेस के अध्यक्ष को चुनने की बात आई तो दो तीन लोगों ने तो सीधे मना कर दिया गया, जिनको बोला गया कि आप अध्यक्ष बनिए, बुलाया गया, उन्होंने मना कर दिया कि भैया हम अध्यक्ष नहीं बनेंगे। तो इंटरनल डेमोक्रेसी और इंटरनल डिसिप्लिन है कि नहीं है, अगर इसका जवाब मिल जाए कांग्रेस के लोग, स्टेट के लोग, सेंटर के लोग, अगर इस चीज को ढूंढ लें, ये सोल्यूशन निकाल लें, तो हो सकता है कांग्रेस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर पाए। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता है, क्योंकि सेंटर में ही डेमोक्रेसी और डिसिप्लिन, ये दो चीजों का मुझे बहुत अभाव दिखता है कांग्रेस के केंद्रीय संगठन में, केंद्रीय नेतृत्व में। तो प्रदेश की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। तो मैं समझता हूं ये जो दो डी है, डेमोक्रेसी एंड डिसिप्लिन, जब तक कांग्रेस में नहीं आएगा, पहले अगर ये इंदिरा गांधी की तरह शासन करना चाहते हैं तो उसी तरीके का, उसी प्लेटफॉर्म पे इनको आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल से लेके बूथ लेवल से लेके सेंटर तक, और पब्लिक में वो इमेज बनानी पड़ेगी। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो ये जीती हुई बाजी भी हार जाएंगे। हो सकता है ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिल जाए लेकिन सरकार किसी और की बन जाए, ये सिचुएशन हुई है कई जगह। तो ये दो चीजों की कमी के कारण होती है। तो मेरी नसीहत तो ये है, मेरी एनालिसिस ये है कि कांग्रेस अपने आप को अंदर से मजबूत कर ले, बाहर अपने आप मजबूत हो जाएगी। प्रेम जी, इन्होंने जवाब नहीं दिया, आपसे ले लेता हूँ, ये शायद भूल गए। मेरा सवाल ये था कि सिद्धारमैया जो दो बार चीफ मिनिस्टर रह चुका है, इतना बड़ा लीडर है, व्हाई ही इज इंसिस्टिंग टू कंटेस्ट फ्रॉम टू सीट्स? बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण सवाल है, और सिद्धारमैया ये संदेश देना चाहते हैं कि दो जगह से चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति पार्टी में बड़ा होता है और उसके मुख्यमंत्री बनने के चांसेस होते हैं। तो मुख्यमंत्री के रूप में अपनी दावेदारी को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए ये उनकी तरफ से पहल है, लेकिन ये आलाकमान को मानना नहीं चाहिए। ये बात सही है कि लड़ना है तो एक जगह से लड़िए, और डी शिव कुमार हैं दावेदार, वो भी एक जगह से लड़े। तो ये आपका बहुत सटीक प्रश्न है, अगर इस ये सिद्धारमैया दो जगह लड़ते हैं इसका मतलब है कि आलाकमान की पकड़ इन नेताओं पर कमजोर है, ये बात साबित होगी। आपने कहा कि इस वक्त हालात जो हैं वो बड़े क्लियर हैं कि कांग्रेस जो है वो कर्नाटका में जीतेगी। कांग्रेस का अगर राहुल गांधी वहां जाता है तो कितनी सीटें हरवाएगा? देखिए, ये एक परसेप्शन बनाया गया है कि विपक्ष अपनी हार के लिए खुद जिम्मेदार है,
और राहुल गांधी को अपशकुन बोल करके ये साबित किया जाता है। नहीं, अगर वो भाई भूषण पहन के जाएगा तो कितनी सीटें जीतेगा या हरवाएगा? नहीं, इसका जवाब ये है शारदा साहब कि नरेंद्र मोदी जी तो हर दिन नए कपड़े पहनते हैं, हर दिन, कभी पुरानी कपड़े, पुरानी जो अटायर है वो रिपीट नहीं करते। हिंदुस्तानी कपड़े हिंदुस्तानी पहनते हैं, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हर दिन के आप ड्रेस के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि वो जहां जहां जाते हैं अपने अटायर को बदलते हैं परिस्थिति के हिसाब से, कभी वो क्षेत्रीय दिखने लगते हैं, कभी वो किसी और तरीके से दिखने। उन्होंने भी टी शर्ट पहनी, ऐसा नहीं कि उन्होंने टी शर्ट नहीं पहनी, टी शर्ट में भी हम आपकी नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर दे सकते हैं। नहीं, वो दिखा सकते हैं। प्रेम जी, आप ना एक टॉपिक को पूरा एक एक आधा इंस्टेंस जो होता है वो टोटल पिक्चर नहीं बन जाती। मैं टोटल पिक्चर की बात करता हूँ। अगर कल को वो त्रिपुरा जाते हैं, एक मिनट, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप वो त्रिपुरा जाते हैं, वो त्रिपुरा की ड्रेस पहन लेते हैं, वो पंजाब में जाते हैं पंजाब की पगड़ी पहन लेते हैं, राजस्थान में जाते हैं वहाँ की, अरे वो सारी चीज़ें इंडियन मतलब कल्चर के साथ रिलेटेड है। दैट्स व्हाट माई पॉइंट इज। जी, आप सही बता रहे हैं। तो ये पहले भी जो शासक वर्ग होते थे, कांग्रेस के भी जो नेता होते थे, वो ऐसा करते थे। आप सोनिया गांधी भी जब जाया करती थी तो वहां के लोकल कुछ ना कुछ पहनने का वो करती थी। राजीव गांधी ने तो उनकी तो बहुत सारी तस्वीरें इस रूप में है। तो ये परंपरा रही है और उसको नरेंद्र मोदी जी ने स्ट्रांगली उसको किया है। ये कमी आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी में वो कमी है कि वो इस तरह से नहीं कर रहे हैं। तो हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री के रूप में नहीं जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस रूप में नहीं जाया करते थे। पूरे देश में भी वो संघ के कार्यकर्ता के रूप में घूमते थे तो थोड़े अटायर वहां इस रूप में जाते थे कि जिस प्रदेश का में जा रहे हैं वहां की अटायर पहन ले, इस रूप में नहीं जाते थे। तो ये प्रधानमंत्री जी का प्रेजेंटेशन है, राहुल गांधी विपक्ष में है, कोई प्रधानमंत्री नहीं है। अटायर कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ये अपशकुन बना दिया जाता है कि राहुल गांधी जाएंगे तो ये होगा, राहुल गांधी नहीं जाएंगे तो ये होगा। हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी तो थी, क्या बीजेपी बोलती है कि प्रियंका गांधी के कारण हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीत गई? नहीं बोलेगी, क्योंकि बीजेपी को सूट नहीं करता, उनको ये सूट करता है बोलना कि राहुल गांधी जहां जाते हैं वो चुनाव हार जाते हैं, ये सूट करता है उनको बोलना। कांग्रेस तो लगातार हार रही है, राहुल गांधी जाए नहीं जाए कि लेकिन प्रेम जी, 1967 से आई एम इन्वॉल्व इन हिमाचल। मेरे मतलब रिलेटिव्स, मेरी सास, आगे मेरे रिश्तेदार प्रधान रहे हैं वहाँ के जी, कांग्रेस के बहुत मिनिस्टर रहे हैं, सब कुछ रहा है। ये आप ये कहिए कि प्रियंका गांधी ने बहुत जताया, नहीं, ये वहाँ के जो लोकल कांग्रेसी हैं, मेरी बातें उनसे होती हैं, जो लोकल कांग्रेसी हैं उनमें एक जज्बा था कि हमने, और एक वहाँ पर परंपरा बनी हुई है जो टूट सकती थी, नहीं टूटी। और एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इशू था पेंशन वाला। मैं समझता हूँ कि पेंशन ने इनको 10-12, क्योंकि हिमाचल इज़ दी ओनली स्टेट जहाँ पर मैक्सिमम गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, इसलिए That also has played a major role. मिश्रा जी, आपका क्या कहना? देखिए डॉक्टर साहब, आपकी बात सही है। पार्टी का प्रेजेंस और पार्टी की मजबूती उसके वर्कर से बनती है, और टॉप पे जो लीडर होता है, जो अध्यक्ष होता है, चाहे खड़के जी हो चाहे राहुल हो, जो फेस होता है, कुछ 3-4 लोगों का ये मोरल और प्रोफेशनल दायित्व तो होता है कि वो लोगों में जोश भर के रखे। मुझे एक प्रॉब्लम अनायास कांग्रेस में दिखती है कि कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है, कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास अपने वर्कर में नहीं भर पाती है। वर्कर तो डेफिनेटली बहुत जोशीले हैं, मैं अभी भी कई वर्करों से बात करता हूं, अगर कभी फोन वगैरह आता है, जो छोटे स्तर के नेता हैं वो खुद चाहते हैं कि कांग्रेस आए, लेकिन उन लोगों की शिकायत ये रहती है कि टॉप लेवल पे इतना ज्यादा मिसमैनेजमेंट है कि जिन जिन चीजों को टॉप लेवल को आसान करना चाहिए वो सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं, जो नेता हैं छोटे शहरों के,
वो खुद इतने कंफ्यूज रहते हैं कि क्या डिसीजन होगा, किस हिसाब से। वो जो बोलते हैं ना, देखिए पॉलिटिक्स में जीत तभी होती है जब संगच्छध्वम संवदध्वम वाली बात होती है कि सब एक साथ चले, एक डायरेक्शन में चले, एक स्ट्रेटजी को लेके चले। यहाँ कांग्रेस में नितांत इस चीज का जो है अभाव है। आपने अभी कर्नाटक का उदाहरण दिया कि दो दो लोगों की वहां दावेदारी है। आप और किसी भी राज्य में देख लीजिए, और कांग्रेस के आप सेंट्रल कमांड में भी देख लीजिए, इतने लोगों की दावेदारी होती है, इतनी कंफ्यूजन की वहां पे जो है सिचुएशन पूरी लीडरशिप क्रिएट करके रखे रहती है पूरे देश में, कि कांग्रेस उसके नेता उसके वर्करों को, मुझे लगता है कांग्रेस के टॉप लीडर को अभी फोकस करना चाहिए कि भारत जोड़ो की जगह वो कांग्रेस के वर्करों को जोड़े, उनके अंदर क्लियर कट एक विजन दे रणनीति को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर, चुनाव के स्ट्रेटजी को लेकर, चुनाव के मैनेजमेंट को लेकर के। यही कारण है कि हर स्टेट का जो मुख्यमंत्री है, गहलोत जी ने बोला कि राहुल जी मत आइए। मिश्रा जी आपको मैसेज देते हैं, अगर आपके कोई दोस्त मित्र या आप, आपके बच्चे या कोई भी यहाँ पर आना चाहें तो बहुत ही एक्सपर्ट हैं लाइटो इमिग्रेशन वाले, और बहुत प्यार से आपसे बात करते हैं। आप सुमित सिंह जी को बात कर सकते हैं, इनके भाई हैं उनसे बात कर सकते हैं। नंबर याद रख लीजिए, ये व्हाट्सएप पर आप उनको फ़ोन कर लीजिए, 3066122233। आप आना चाहते हैं बिजनेस इशू के ऊपर, या आप आना चाहते हैं स्टूडेंट, या आप यहाँ पर नौकरी लेके आना चाहते हैं, शादी करके आना चाहते हैं, किसी भी तरीके से आना चाहते हैं, आप कम से कम इनसे बात करके जी पूछ लीजिए। ये बात करने के कोई पैसे नहीं लेते, बड़े आराम से आपके साथ आधा पौना घंटा बात करके आपको ये समझाते हैं। लाइटो इमिग्रेशन 3066122233 इनका टेलीफोन नंबर है। और इसके बाद जब आप यहाँ आते हैं तो देखिए, कनाडा में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास अपना, जैसे यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, अपना डॉक्टर और अपना वकील। और जब आप ये समझते हैं कि अपना वकील होना चाहिए तो फिर आप फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल समटाइम्स क्या होता है, लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी में जी, एंड दे आर सिटिंग इन इंडिया, दे आर सिटिंग इन दुबई, दे आर सिटिंग समवेयर एल्स, सो दे कैन इन्वेस्ट ऑल्सो, दे कैन टॉक टू दिस ला फर्म ऑफ शिखा शारदा। आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जी, 905-956-6699। जो कनाडा में देख रहे हैं, अगर उनके कोई फैमिली प्रॉब्लम है जी, या कोई विल बनवानी बड़ी ज़रूरी है, यहाँ पर विल इज़ ए मस्ट, तो कम से कम आप फ़ोन पर बात कर दीजिए। देर इज़ नो कंसल्टेशन चार्जेस, 905-956-6699। जैसे मिश्रा जी ने बताया कि आयुर्वेदिक सिस्टम है पान का, खैर मैं ये समझता हूँ कि वो सिस्टम तो बहुत अच्छा होगा लेकिन सिस्टम बदल गया। मैं तो खुद देखता हूँ कि जितनी भी हिंदुस्तान में वो मलट्ठी काट रही होती हैं लेडीज़, और साथ में तंबाकू रखा होता है, सिर्फ मलट्ठी एंड तंबाकू डाल के पान मुंह में डाल लेती हैं। खैर यहाँ पर आपको पान मिलेगा बहुत ही अच्छा, और चार जगह के ऊपर उसके साथ शवरमा, सबसे हेल्दी फूड है शवरमा, और साथ में कोई भी आपने ड्रिंक लेनी हो तो इनकी चार ब्रांचेज हैं, तीन ब्रांचेज हैं ब्रैम्पटन में और एक ब्रांच है ब्रैम्पटन के साथ मेपल में, बाबू पान शवरमा उनका नाम है। तो लीजिए बात करते हैं प्रेम जी से। प्रेम जी आप ये बताइए कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो क्या कहता है कि अपोजिशन वाले इकट्ठे हो गए 2024 में, मतलब इकट्ठे तो आई एम नॉट सेइंग कि एक पार्टी बना गए, अपने अपने सूबों में अगर ये जो अड़ियल लीडर हैं राहुल जैसे, अगर वो ये मान लें कि हाँ भाई हर सूबे में उन वो बना लें अपने अपने MPs, तो कुछ लगता है कि 2024 में 303 से सीटें कम हो गए, बीजेपी की 250 रह सकती हैं? जी देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है और इन दिनों इस प्रश्न पर बहुत चर्चा हो रही है कि विपक्ष एकजुट होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इस देश में जो राजनीति की धाराएं हैं इसको समझना जरूरी है।
अब देखिए बंगाल में विपक्ष एक हो जाए इसका क्या मतलब? बंगाल में विपक्ष एक होने का मतलब टीएमसी बीजेपी के अलावा विपक्ष या टीएमसी के खिलाफ विपक्ष, दो स्थानीय स्तर पर अगर हम 2024 देखकर बात करते हैं तो बंगाल में विपक्ष का मतलब है बीजेपी के अगेंस्ट में टीएमसी लेफ्ट कांग्रेस सबको एक हो जाना चाहिए। तो अगर ये एक हो जाएंगे तो बीजेपी कमजोर होगी कि मजबूत होगी, ये प्रश्न का देख लिया जाए। मेरे हिसाब से बीजेपी मजबूत होगी, तो ऐसी विपक्षी एकता क्यों होनी चाहिए जिससे बीजेपी मजबूत हो। बिहार का उदाहरण लीजिए जो उल्टा है, बिहार में एक महागठबंधन बना है और ये महागठबंधन पहले भी प्रूव हो चुका है कि बीजेपी को मुश्किल में डालता है और इस बार भी डालेगा, इसके पूरे आसार है। तो यहाँ से 40 में 39 सीट जो है यहाँ बीजेपी का जो है गणित गड़बड़ा रहा है। और बंगाल में अगर कांग्रेस लेफ्ट अगर फिर से लड़ती है, चुनाव त्रिकोण बनता है, तो वहां भी बीजेपी को वो सफलता नहीं मिलेगी जो पिछले बार चुनाव में मिली। ये दो स्टेट होता है। महाराष्ट्र में भी आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र स्थानीय स्तर पर शिवसेना जैसी पार्टी इकट्ठा हुई है, एनसीपी और कांग्रेस, तो इसके नतीजे अच्छे मिले थे और इस बार माने मिलने के आसार हैं, इस बार मिलने के आसार हैं, ये हमें दिखता है। इसके अलावा अब अगर हम कहें कि पूरे उत्तर प्रदेश बात कर ले, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिले तो इससे इसका नतीजा नहीं निकलता है, ये अतीत में देखा जा चुका है। एसपी बीएसपी मिलकर के इलेक्शन लड़ चुके हैं, 15 सीटें लोकसभा की पाई थी, फिर भी हम कहेंगे कि उस वेव में वो 15 सीट भी अचीवमेंट थी। इस बार क्योंकि बीएसपी अलग लड़ रही है तो यहाँ विपक्ष का अलग लड़ना दलित वोटों को, जिसका कि दलित वोट सबसे ज्यादा बीजेपी को मिल रहे हैं, दलित सीटें सबसे ज्यादा बीजेपी को मिल रही हैं, तो बीएसपी का खड़ा होना इससे बीजेपी को नुकसान होगा, यानी मल्टी कॉर्नर होने से। यहाँ विपक्षी एकता की बात करेंगे तो अनुभव ये कहता है कि बीजेपी को फायदा होगा। प्रेम जी, प्रेम जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ डायरेक्टली बिफोर आई गो टू मिश्रा जी कि बीएसपी जो है इज बीएसपी वर्किंग for BJP due to fear of ED and CBI? मैं इस तथ्य को नहीं मानता शारदा जी, क्योंकि बीएसपी की जो सियासत है उस सियासत में आज की तारीख में बीएसपी अपना प्रबल राजनीतिक प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी को मानती है। ये इस बात को अगर हम समझ लें तो जब कभी भी मौका मिलता है तो बीजेपी की चाहत होती कि भले बीजेपी जीत जाए लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं जीते। तो इस चाहत को हम ईडी का डर से इक्वेट कर ले तो ये स्वतंत्रता है सबकी, लोग कर सकते हैं और चूंकि वैसी स्थिति है। लेकिन मेरा मानना है कि पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए जो बीएसपी है उनको एसपी के खिलाफ खड़ा होना मजबूरी है, और पिछले बार जो चुनाव एक साथ लड़कर देख चुके हैं उसका नतीजा ये हुआ कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी बीएसपी खत्म हो गए। तो इसलिए ये मैं नहीं मानता कि बीएसपी इसी ईडी और इसके डर के कारण अपनी रणनीति बना रही। मिश्रा जी, आपका क्या ख्याल है बीएसपी के बारे में? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष के पास ये रहेगी कि वो यूनिफॉर्म फार्मूला क्या हो कि जिस पे चल करके सारी विपक्षी पार्टियां एक हो जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि प्री पोल अलायंस अगर ये लोग बनाते हैं तब तो मैं समझता हूं कि ये जीत सकते हैं कुछ उस तरीके से जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह थे और एक ही निशान पे पूरे विपक्ष ने लड़ा था, वो निशान था चक्र। अगर इस तरह का हो तब तो ये जीत सकते हैं। लेकिन अगर ये सोचे कि हम टुकड़ों टुकड़ों में रह करके जी अपनी कुछ सीट हमने उनके लिए छोड़ दी, उनको वहां छोड़ दी, तो इस पे ये नहीं जीत पाएंगे। मुझे बताया जाए कि टीएमसी क्यों अलायंस बनाएगी, राहुल गांधी के साथ जाने के लिए अलायंस समाजवादी पार्टी क्यों बनाएगी जबकि दो बार हाथ जला चुकी है। जो परफॉर्मिंग पार्टीज है, जो विपक्ष में परफॉर्मिंग पार्टीज है, वो क्यों अलायंस में जाएंगी? उन नहीं, ठीक है वो सेंटर में प्राइम मिनिस्टर बने या ना बने, लेकिन मुख्यमंत्री तो वो है ना अपने यहाँ के, तो उसको वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं होंगे। सबसे बड़ी चुनौती मैं समझता हूँ कि वो फार्मूला आने दीजिए जिसपे की सारे विपक्ष के लोग सारी शंकाओं को छोड़ करके एक तो हो पहले उस लेवल पे, वो एक्सिस तो डेवलप हो। वो एक्सिस ही नहीं डेवलप हो पाएगा, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। मैं आज भी बोलता हूं कि विपक्ष का ये सपना 2024 में भी सपना ही होकर के रह जाएगा, उसमें बड़े पेच है। क्यों नीतीश कुमार किसी की बात मानेंगे? आरजेडी के लड़कों जो है नेता है, दोनों लालू के जो बच्चे हैं उनके अपने सपने हैं, ममता दीदी के अपने सपने हैं, साउथ की पार्टियों के अपने, और जो पार्टियां परफॉर्म कर रही हैं वो आधे
पूरा पाने के लिए आधे को नहीं छोड़ेंगी, जो उनके पास है स्टेट की गवर्नेंस वो उसको भी नहीं छोड़ेंगी। तो ये मुझे बहुत 2024 में भी विपक्ष की परफॉर्मेंस मुझे कोई बहुत अच्छी नहीं दिखी। इससे पहले कि हम कंक्लूड करें, लास्ट टाइम मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इमिग्रेशन यहाँ लेना चाहते हैं, आउट ऑफ 193 कंट्रीज कैनेडा हैज़ द इजीएस्ट वे ऑफ इमिग्रेशन। आप लाइटो इमिग्रेशन वालों को कॉन्टेक्ट करिए, ये आपकी पूरी मदद करेंगे, चाहे आप एज ए स्टूडेंट आना चाहें, चाहे आप एज ए बिजनेस क्लास में आना चाहें, चाहे आप किसी और तरीके से डिस्कस आप इनसे करिए कि आप क्या चाहते हैं, कैसे आपके सर्कमस्टांसेस हैं, ये आपको गाइड करेंगे। सुमित सिंह आपको गाइड करेंगे। आप व्हाट्सएप पे इन पर बात कर लीजिए 3066122233। अगर आपके पास सिस्टम है आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप जो है वो सुना कि फ्री होता है। 3066122233 लाइटो इमिग्रेशन आपके हर काम में वो काम आएगा। और जब आप यहाँ आ जाते हैं या आपके पास पैसा है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देखिए जब आप वकील के थ्रू कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टियाँ खरीदते हैं, तो आपका पैसा 110% सेफ होता है यहाँ पर कनाडा में। एक पैसा भी आपका कभी नहीं इधर उधर जा सकता, क्योंकि ये पैसा लॉ फर्म के ट्रस्ट अकाउंट में जाता है। तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, लॉ फर्म अभिषेका शारदा 905-956-6699-905-956-6899, शर्मा पान वालों की हमने आपसे बात की, उनकी चार ब्रांचेज हैं यहाँ पर, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। जहाँ भी जाइए, शर्मा भी है जी, बाबू पान भी हैं, और साथ में आपको आजकल हर किस्म की ड्रिंक्स भी वहाँ पर मिलती हैं, और कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे नंबर आपके सामने हैं। थैंक यू बाबू पान शर्मा, यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब। हाँ जी, लास्ट में सबसे पहले मिश्रा जी, आप, ये बात तो हो गई कि 2024 में वो नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि तीन जो बड़े ग्रुप हैं, मतलब उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और अपना नहीं उड़ीसा, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, वो तो बिल्कुल बात करने के लिए भी तैयार नहीं है अपोजिशन वालों के साथ। हाँ जी, मेरा ख्याल है कि वो केसी राव तो बीजेपी के साथ भी बात करने को तैयार नहीं है, और किसी और के साथ भी बात करने को तैयार नहीं है। एक तो ये प्रॉब्लम है। वो हो सकता है कि केजरीवाल के साथ बात करके कुछ अपना सिस्टम बना लें, लेकिन बाकी के जो सूबे हैं जहाँ पर वो आप इंडिपेंडेंट अपना इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो उनको क्यों ना वहाँ पर कांग्रेस वाले या दूसरे अपोजिशन वाले सपोर्ट करें। प्रेम जी, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। अगर आप चाहते हो, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपने MP बनाएं। हाँ, जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी और त्रिपुरा में ऑफकोर्स कम्युनिस्ट पार्टी भी है जी, इनको आपस में कोई ना कोई ऐसा तालमेल करना चाहिए, जिस तरीके से कल को ममता बनर्जी को ये कहने का मौका ना मिले। कांग्रेस को क्लियर करना चाहिए ममता के साथ कि हम कभी भी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर तेरे अगेंस्ट यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ये उनको क्लियर करना चाहिए। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? बाकी तो स्टेटें छोड़ दीजिए, वहाँ तो ग्रुप बने हुए हैं, बड़ी स्टेटों में तो ऑलरेडी ग्रुप बने हुए हैं। चलिए डॉक्टर साहब, देखिए हम जितने आसानी से इन चीजों को बात कर लेते हैं, मैं ममता दीदी की ही बात करता हूँ, कम संघर्ष उन्होंने नहीं किए हैं सत्ता पाने के लिए। सवाल यहाँ पे है, जिसके पास जो है, अगर आप आंध्रा की बात करें या तेलंगाना की बात करें, वो क्यों सेक्रीफाइस करेंगे जहां पे अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है। रही बात क्यों कांग्रेस के पास जाए, कांग्रेस की परफॉर्मेंस स्पेशली सेंटर में सारे लोग देख रहे हैं, तो कौन होगा राजा, इस चीज को कोई डिसाइड नहीं करेगा। और चूंकि ये डिसाइड नहीं हो पाएगा, तो फिर बात वही घूम के आ जाएगी कि चलो हम बंगाल के मुखिया हम हैं, आंध्रा के मुखिया हम हैं, लोग उसी में सिमटे हुए रहेंगे। ये इनकी इस कमजोरी को बीजेपी बहुत अच्छे तरीके से जानती है और बीजेपी इनकैश करेगी। बीजेपी की एक कोशिश ये भी रहती है
कि कैसे भी करके ये लोग आने ना पाए, किसी भी तरीके से सारी पार्टियां एक होने ना पाए। ये भी एक रणनीति होती है जो सरकार में है, उनकी ये रणनीति होती है। मुझे लगता है कि इस चीज को बीजेपी अच्छे तरीके से मैनेज करेगी। और आप देखिएगा, पिछली बार भी यही हुआ था कि सारे लोग एक साथ होकर लड़ेंगे, रिजल्ट क्या रहा? कुछ रिजल्ट नहीं रहा, कोई एक नहीं हुआ। कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधे, कौन कांग्रेस तो ये चाहती है भैया सब लोग टीएमसी सेक्रीफाइस कर दे, सब सेक्रीफाइस कर दे और कांग्रेस राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। कोई राहुल गांधी को एक मिनट एक सेकंड मैं प्रेम जी से बात करूंगा। राहुल ने तो साफ कह दिया आई एम नॉट ए प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट, और मेरे ख्याल शायद वो आगे बनना भी नहीं चाहता। मुझे तो लगता है वो आचार्य विनोबा भावे के मतलब कदमों पर चलना चाहता है। अभी उसने सितंबर में दूसरी भारत माता भारतीय यात्रा शुरू करनी है 3,000-4,000 किलोमीटर की। प्रेम जी, आखिर में आप क्या समझते हैं, आपका बड़ा अध्ययन है इसके ऊपर, कि क्या वाकई इज इट पॉसिबल? देखिए स्टेटें सामने हैं जहाँ पर क्लियर, ये जो अभी तो हमने बात ही नहीं की केजरीवाल की, कि वो एक बड़ा इतना इतना उसका दिमाग फिरा हुआ है कि वो अपने आप को आज ही, एक सीट नहीं है एमपी की, वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट समझता है। और वो ये समझता है कि मैं जहाँ पर भी कांग्रेस है मैं वहाँ का रूप ले लूँ। आप देखिए ही इज़ ट्राइंग टू गो इनटू मध्य प्रदेश, ही इज़ ट्राइंग टू गो इवन कर्नाटका, एंड ही इज़ ट्राइंग टू गो इन राजस्थान। तो उसका तो फैक्टर ही नहीं हमने लिया। ज़रा इस फैक्टर पर बताइए कि जहाँ पर बाकी के अपोजिट, जहाँ पर डायरेक्ट फाइट है बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी, जो ये तीन स्टेटें हैं, छत्तीसगढ़ भी ले लीजिए, तो ये बताइए मुझे कि वहाँ पर ये जो केजरीवाल का फैक्टर है ये कांग्रेस को कितना नुकसान पहुँचाएगा? जी जी, महत्वपूर्ण प्रश्न है शारदा जी। जो आम आदमी पार्टी है उसी तरह से टीआरएस जो अब बीआरएस बन चुका है, चंद्रशेखर राव जी की पार्टी या ममता बनर्जी जी की पार्टी, ये लोग नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस के बचे हुए अवशेष हैं। यानी कि जो थर्ड फ्रंट हुआ करता था, जो आज विजिबल नहीं है, उसके अवशेष है। राष्ट्रीय स्तर पर थर्ड फ्रंट बनाने की जो कोशिशें हुई वो इसलिए सफल नहीं हो पाई, जैसा कि मिश्रा जी कह रहे थे कि जनता दल जैसी पार्टी जो चक्र के नाम पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रेजेंस रखता हो, ऐसी पार्टी पैन इंडिया लेवल पर नहीं है, जिससे कि ये क्षेत्रीय नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस जो पार्टियां हैं वो एकजुट हो सके, जिसमें उनकी महत्वाकांक्षा भी शामिल होती है कि शायद वो प्रधानमंत्री बन सके। हर कोई महत्वाकांक्षा रखता है, लेकिन आज की तारीख में ये सारे क्षेत्रीय दल इस खतरे से जूझ रहे हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर को खतरा है, और फेडरल स्ट्रक्चर को जो खतरा है इस नारे की वजह से, इस स्थिति की वजह से वो बीजेपी को अपने प्रदेश में हराने का एक जज्बा रखते हैं। लेकिन इतने मात्र से विपक्षी एकता नहीं होती है, और विपक्षी एकता इस हिसाब से होगी भी नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी का आपने जिक्र किया, आम आदमी पार्टी की ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है कि 2024 में वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार का सब्स्टिट्यूट बन जाए कि हटा दे। आपने सही कहा कि आम आदमी पार्टी का लक्ष्य जहां जहां कांग्रेस है उसकी जगह खुद को स्थापित करना है। तो 2024 के ख्याल से आम आदमी पार्टी के का रुख जो है बिल्कुल दूसरे क्षेत्रीय दलों या राष्ट्रीय दलों के हिसाब से बिल्कुल अलग है। वो सत्ता में जाने के लिए भी ललाइट एकदम है नहीं, दिखती जरूर है, लेकिन उसको पता है कि हम कर क्या रहे हैं। हमको कांग्रेस को नुकसान करना है, बीजेपी भले एक बार और सत्ता में आ जाए, और हमें आगे की तैयारी करनी है। तो आज की तारीख में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है। मिश्रा जी, मेरे पास 2 मिनट है सिर्फ, आप मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि हिंदुस्तान में बीजेपी इज ट्राइंग टू फिनिश ऑल द अपोजिशन पोलिटिकल पार्टीज एंड मेक इट ए वन पार्टी सिस्टम? नहीं डॉक्टर साहब, देखिए अगर कोई ये बोलता है कि बीजेपी ऐसा कर रही है, तो मैं बोलूंगा कि जो जनादेश मिला है बीजेपी को, या उसकी जगह कोई और सरकार होती तो उनके ऊपर ये आरोप लग रहा है। मैं अगर ये बोलूं कि बीजेपी हाँ जी ये नुकसान कर रही है, तो इसका मतलब है करोड़ों लोगों ने उनको वोट दिया है, तो मैं भारत की जनता के ऊपर ये आरोप लगा रहा हूं?
तो ये पूरे फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर मैं क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहा हूँ, पूरे संविधान को मैं धता बता रहा हूँ। कोई कैसे बोल सकता है कि 40% लोगों ने, करोड़ों लोगों ने वोट दिया और संविधान के तहत जो प्रक्रिया होती है, तो यानी कि आप इतना बड़ा अपमान जनादेश का कर रहे हैं। तो मैं तो नहीं बोल सकता हूं, बल्कि विपक्ष इस चीज को कर रहा है। विपक्ष क्यों नहीं मजबूत कर रहा है? विपक्ष फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। कभी अपने गिरेबान में वो 60% जो आप बात करते हैं, वो लोग तो अपने गिरेबान में झांके कि वो क्या कर रहे हैं। चलिए, तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कोई अगर कहीं ही हीटेड डिस्कशन में मैंने कुछ ऐसी बात कह दी हो तो आप दोनों से मैं माफ़ी मांगता हूँ। बट इट वॉज प्लेयर टू हैव यू प्रेम जी और ए के जी, आप तो है ही हैं। जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट, एन्जॉय योर वीकेंड, काम रहिए। पॉलिटिक्स में ना आपने एमपी बनना है, ना आपने एमपी बनना है। हाँ, राज्यसभा के एमपी कभी कल को आप बन जाएं तो कुछ पता नहीं। विश यू ऑल द बेस्ट आपको और आपकी फैमिलीज को। हैव ए वंडरफुल वीकेंड। आप लोग वॉच कर रहे थे ब्रेन बस्ट विद डॉक्टर शारदा। आज हमारे गेस्ट थे। हमारे प्रोग्राम में हम बहुत प्यार से बात करते हैं, लेकिन आज कुछ टॉपिक इस किस्म का था, कहीं कहीं बीच में आपको आवाज़ ऊंची नीची नज़र आई होगी, लेकिन हमारे यहाँ लड़ाइयाँ नहीं होती एक दूसरे के साथ। वो जब एक आदमी बोलता है तो एक आदमी बोलता ताकि आप उनकी बातें समझ सकें। तो आखिर में एक बार फिर अपनी सारी क्रिश्चियनिटी लोकाई को मैं बधाई देना चाहता हूँ जी, और इसके साथ यही आस करता हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छा वीकेंड बिताएं। हमेशा याद रखिए, ये प्रोग्राम आपका है, और अफसोस से कहना पड़ता है कि जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं, मोटरसाइकिल की गाड़ियों में सफ़र करते हैं, उनको तो आप दो दो तीन तीन मिलियन जो है वो दे देते हो नंबर। और मैं कोशिश कर रहा हूँ पिछले 3 साल से आपको ये कह के कि भाई आप इसको शेयर करो, आप इसको आगे लेके आओ, इसको कम से कम मिलियन तक पहुँचाओ, तभी ये प्रोग्राम जो है ये चलता रहेगा। आपकी मर्ज़ी का प्रोग्राम है, जैसे आप चाहते हो। हम आपके कमेंट्स भी पढ़ते हैं, आप चाहे अच्छा लिखते हो चाहे मुझे गालियाँ निकालते हो, मैं तब भी बड़ा खुश होता हूँ कि कम से कम प्रोग्राम को देख के कमेंट्स तो दे रहे हो। तो सो प्लीज़, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट की भी ज़रूरत है, और इनको आपके इस को शेयर करके, स्पेशली यूट्यूब के ऊपर शेयर करके आप अपने दोस्तों मित्रों को भी कहिए कि वो भी अपने प्रोग्राम में इसको शेयर करें और शेयर करवाएं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल वीकेंड, सी यू नेक्स्ट फ्राइडे। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।